दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त अपने देश में जो कोरोना महामारी है वह अपने प्रचंड रूप में सामने आ गई है। 34 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ टेस्टिंग यूरोप या अमेरिका के मुकाबले उसकी स्पीड कम होती है। इसके बावजूद 34 लाख आंकड़ा है। हमारे यहाँ टोटल जो मरने वाले लोगों की संख्या है वह भी तकरीबन इस वक्त 62,505 से ऊपर हो गई है मरने वालों की संख्या, और पर डे यानी 24 घंटे में संक्रमित होने वालों की संख्या के हिसाब से हम दुनिया में नंबर वन हो गए हैं। 77,000 के आसपास हमारी संख्या पहुंच गई है, और दोस्तों कहने के लिए संक्रमित लोगों की संख्या के हिसाब से हम नंबर 3 हैं, लेकिन माना यह जा रहा है, दुनिया भर के वैज्ञानिक बता रहे हैं, खासकर चिकित्सा शास्त्री, कि सितंबर के 2nd-3rd week तक हम हो सकता है कि हम बहुत सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दें। यानी हमारी जो तबाही है महामारी से वो शायद वो और बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसे दौर में जिन एग्जामिनेशंस को हम अप्रैल में नहीं कराना चाहते थे, हम उन एग्जामिनेशन को सितंबर में कराने पर आमादा हैं, पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में। अब आप बताइए हमें कि ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा विवेक है, ऐसी तर्क संगतता है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। आपको समझ में आ रही है? मैं अब तक ये समझता था कि हमारे देश के जो मौजूदा जो सरकार है, खासकर हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय बहुत हैं युवाओं में। ऐसा एक इंप्रेशन है कि भारत के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके बीच में काफी लोकप्रिय हैं, और मध्य वर्ग में भी काफी लोकप्रिय हैं। जो JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशंस देने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वे आमतौर पर मध्यवर्गीय परिवारों से आते हैं, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आते हैं, एक हिस्सा किसानों के परिवारों से भी आता है। अब मेरे को ये बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली बात है कि आखिर अपने जनाधार कहे जाने वाले, यानी जो उनका सोशल बेस कहे जाने वाला वर्ग है भारत का, उसी वर्ग के बच्चों के जीवन के साथ एक खिलवाड़ की जो आशंका है, एक जो भयावह स्थिति पैदा हो सकती है उनके करियर के साथ, उनकी लाइफ के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ, इस पर क्यों सरकार आमादा है कि नहीं जनाब, हम तो 7 सितंबर को ही एग्जाम लेंगे, हम 13 सितंबर को ही एग्जाम लेंगे। आखिर एग्जाम की इस तारीख पर इतनी जिद क्यों है, ये बात मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है। और दोस्तों एक अजीब बात यह है कि JEE और नीट में परीक्षाएं जो हो रही हैं 6 सितंबर 13 सितंबर के बीच में, अब इनका जो मसला है ये देखने की बात है कि 9.53 लाख लोग जो है JEE के लिए बैठते हैं और 15.97 लाख लोग जो है ये नीट के लिए बैठते हैं। अब आप हमें आप बताइए कि जो बिहार जैसा स्टेट है जहां पर पूरे स्टेट में इस वक्त 2 केंद्र हैं और बाढ़ जो है वो बिहार के अधिकांश जिलों में आई हुई है, खासकर नॉर्थ के जिलों में, और ट्रांसपोर्टेशन बिहार ही नहीं देश के अनेक हिस्सों में जहां बाढ़ आई है, जहां बाढ़ नहीं भी आई है, कोरोना के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी हद तक सीमित है या लगभग बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, होटल भी बहुत कम चालू है। ऐसी स्थिति में जिस राज्य के 2 केंद्र केवल हैं, मान लीजिए गया है, एक पटना है, दरभंगा का लड़का, कोशी क्षेत्र का लड़का, फारबिसगंज का लड़का कैसे आएगा इतने दूर दराज के इलाके से चलकर 250, 300, 500, 600 किलोमीटर की यात्रा करके, और वो कैसे अपने परिवार के साथ, खासकर अगर एक कोई परिवार से आएगा उसके साथ उसको सहयोग करने के लिए खाने पीने या तमाम चीजों में, वो कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, इस तरह की व्यावहारिक जो जरूरतें हैं उन पर भी हमारी सरकार बिल्कुल गौर नहीं कर रही है। और इस बात को न जाने कितनी जगहों से पिटीशन आए हैं, अभी 6 स्टेट जिन स्टेट्स में महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, बंगाल है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में फिर एक पुनर्विचार याचिका दायर की है कि इन बच्चों के एग्जामिनेशंस फिलहाल पोस्टपोन किए जाएं और इनको बाद में किया जाए, इसको रोका ना जाए, लेकिन अभी फिलहाल सितंबर में जब माना यह जा रहा है कि कोरोना पीक पर पहुंचेगा तो उस दरमियान इस एग्जामिनेशन को हरगिज न किया जाए। अब देखिए कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि कोर्ट ने जो यूनिवर्सिटीज के जो एग्जामिनेशन हैं उनको लेकर जो एक वर्डिक्ट दी है वो बहुत निराशाजनक है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभी जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बारे में जो एक फैसला दिया है, तीन जजों की जो बेंच है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसका कतई वायलेशन नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनेशन फिजिकल जो उनका कहना है कि एग्जामिनेशन एक फिजिकल ढंग का एग्जामिनेशन जो हॉल के अंदर बच्चे बैठ करके एग्जाम देते हैं उस सिस्टम को बरकरार रखा जाना चाहिए। एक केवल सहूलियत मिली है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट 2005 है उसके मुतल्लिक तारीखों में जरूर सुविधा मिल सकती है राज्यों को या यूनिवर्सिटीज को, लेकिन आप एग्जामिनेशन न करें और प्रमोट कर दें बच्चों को यह संभव नहीं है। अब ये जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, अब सम्माननीय कोर्ट को तो उसके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता, सिर्फ पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन दोस्तों हमारा ये कहना है कि दुनिया भर के अगर उच्च शिक्षा को आप उसका परिदृश्य देखें, जितने विकसित देश हैं जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा है और जिनका अनुकरण आमतौर पर पूरी दुनिया में होता है, वहां फिजिकल एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वैसे भी सिमटता जा रहा है और अनेक जगहों पर तो बिल्कुल खत्म किया जा चुका है। और भारत के जो बेहतरीन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अब यह अलग बात है कि उनकी हालत इन दिनों खराब की जा रही है, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज में भी एक इंटरनल असेसमेंट सिस्टम रहा है और जो बहुत साइंटिफिक रहा है, जिसमें टर्म पेपर, सेमिनार पेपर, इसके अलावा आपस का इंटरेक्शन, तरह तरह के उसमें मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाती रही है, अलग अलग मैकेनिज्म हर यूनिवर्सिटी का, हर इंस्टीट्यूशन का रहा है। अब जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, JNU है, बहुत सारे एक से एक बढ़कर नाम आप ले सकते हैं देश के इंस्टीट्यूशंस का, उनके अपने सिस्टम रहे हैं एग्जामिनेशंस के या लड़कों के छात्र छात्राओं के प्रतिभा का मूल्यांकन करने के, और उस आधार पर प्रमोशन होता रहा है। और आपदा के इस दौर में मैं समझता हूं कि दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरे जो शिक्षण संस्थान हैं, वो क्यों नहीं इस तरह के मैकेनिज्म को इजाद कर सकते हैं। मुझे बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर इसमें क्या संकट आएगा। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं कि देश के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज जहां पर शिक्षा का स्तर पहले से गिरा हुआ है, वहां पर इस तरह के असेसमेंट सिस्टम का को इंट्रोड्यूस पहले कभी नहीं किया गया, तो ऑल ऑफ सडन आप आपदा के इस दौर में कोई सिस्टम नहीं बना सकते। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज में इस तरह का सिस्टम पुख्ता है वहां तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, और जिन यूनिवर्सिटीज में नहीं है और जिन यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास पोटेंशियल है, संभावना है, तो वो इनोवेटिव तौर तरीके क्यों नहीं इजाद कर सकते, एक मेरा ये सवाल है। और ये सवाल एक शैक्षिक जगत से चूंकि उभरता आ रहा है, मैंने कई शिक्षा शास्त्रियों से बात की आज देश के, और उनका भी ये सवाल है कि मुझे लगता है कि इस पर विचार जरूर करना चाहिए था सरकार को, और सरकार अगर माननीय कोर्ट के समक्ष ये बात रखती तो उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता, लेकिन सरकार तो पता नहीं क्यों स्वयं आमादा है कि हर कीमत पर एग्जामिनेशन लिया जाए और इसी सितंबर में लिया जाए, डेडलाइन मेंटेन की जाए, क्यों, क्या वजह है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार के जो मंत्रीगण हैं, खासकर जो शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम सब जितने सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको हम सब मेंटेन कर रहे हैं, सब एडॉप्ट कर रहे हैं। भाई अभी कर्नाटक में हमने देखा कि एग्जामिनेशन लिया गया, सेफ्टी नॉर्म्स वहां भी उन लोगों ने कहा कि हम तमाम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लड़के प्रभावित हुए, उनके घर वाले प्रभावित हो गए उनके इन्फेक्ट होने की वजह से, और इस तरह से वहां पर जंप कर गया कोरोना का जो आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस पर जरूर विचार करना चाहिए, और
खासकर मैं सरकार की बात कहूंगा कि सरकार जो कि मानती है कि युवाओं में उसकी बहुत पकड़ है, युवा उसको बहुत पसंद करते हैं, तो आखिर युवाओं की सेफ्टी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार इतनी लापरवाह क्यों है? क्यों नहीं इनोवेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने पर वो जोर दे रही है? या अगर फिजिकल एग्जामिनेशन सिस्टम पर ही जोर अगर है तो वो बाद में भी कराए जा सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज, कुछ एक यूनिवर्सिटीज में जीरो सेशन हो गया, कई जगह बहुत लेट सेशन हुआ। आखिर क्या वजह है कि हर कीमत पर सरकार चाहती है कि तत्काल आनंद फानंद में सब कुछ हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिस्टम इस देश में इंट्रोड्यूस हुआ है, पिछले काफी दिनों से काफी स्ट्रांग हुआ है, क्या उस लॉबी का दबाव है ताकि यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स मिले दाखिला लेने के लिए? अगर 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 इस तरह की आपाधापी होगी तो शायद जल्दी से जल्दी लोग दाखिला लेने के लिए और ज्यादा परेशान होंगे। मुझे लगता है कि दोस्तों इस पर बहुत विवेक के साथ विचार करने की जरूरत है। कहीं सरकार ये तो इरादा नहीं रखती कि वो पूरी दुनिया को बताए कि कोरोना की जो महामारी है उससे निपटने में हम काफी हद तक सफल हुए हैं और हमारे यहाँ एग्जामिनेशन, हमारे यहाँ एजुकेशन कैलेंडर सब कुछ मेंटेन हो रहा है। तो ये जो हड़बड़ी है, ये जो कामयाब होता दिखाने की जो एक ललक है, मुझे लगता है कि वो आम लोगों और खासकर छात्रों और नौजवानों की जिंदगी के साथ खेलते हुए इसको नहीं आजमाया जाना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए विवेक के साथ, वैज्ञानिकता के साथ और मानवीयता के साथ। बस इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का मैं समापन करता हूं। और देखना है दोस्तों जो JEE और नीट को लेकर जो पुनर्विचार याचिका लंबित है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, देखना होगा उसका क्या फैसला होता है, उस पर कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम से जुड़े जितने लोग हैं, हमारी सत्ता जो है, हमारी सरकार जो है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।